हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ लक्ष्य का रिजल्ट शेयर किया था और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। 70% आई है उसकी और आप लोगों ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। थैंक यू सो मच। और आई होप कि वो 12th में भी अच्छे ही मार्क्स लेके पास हुए। और मम्मी पापा को गाँव में कॉल किया था, वो लोग भी बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा को भी किया था, वो लोग भी बहुत खुश हैं। सब घर में बहुत खुश है क्योंकि इतना ना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लक्ष्य से। तो उसके इतने परसेंटेज आ गई है, 70%, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस। सो आई होप कि 12th में भी उसके इससे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज आए, वो और भी मेहनत करे और अच्छी परसेंटेज आए। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर बेस्ट विशेज। लक्ष्य का रिजल्ट तो हमने सेलिब्रेट कर ही लिया था, आपके साथ मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया है। और मंदिर में जाके लक्ष्य के पापा ने प्रसाद भी चढ़ा दिया था और घर के मंदिर में मैंने अभी तक प्रसाद नहीं चढ़ाया था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर ट्यूजडे। ट्यूजडे को बजरंगबली जी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने लड्डू का प्रसाद अपने मंदिर में चढ़ा दिया है लक्ष्य के पास होने का। और भगवान जी से यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से लक्ष्य को, सब बच्चों को सद्बुद्धि दें और बस बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में आगे चल के अच्छे इंसान बने, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और डिनर का मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुकी थी और हमने बड़े आराम से आज बैठ के ये मूवी एंजॉय की जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और ये देखो लक्ष्य के कारनामे, फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल बास्केटबॉल क्या है ये, जो भी है ये इसने नली तोड़ दी है, देख रहे हो पानी निकले जा रहा है। पानी वेस्ट नहीं करेंगे हम, पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया है। ये रहा लक्ष्य। लक्ष्य क्या कारनामे किए आज, ये देखो पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। प्लम्बर को कॉल किया है, बस आने ही वाला है प्लम्बर। सुबह मैंने पौधों में पानी डाला था लेकिन अब रिपीट करना पड़ा हो जाता है ऐसे कभी कभी। चलो कोई नहीं, अच्छे से खिल गए हैं आज हमारे पौधे छोटे छोटे। और क्योंकि पानी वेस्ट ना होए इसीलिए मैंने मशीन भी लगा दी थी इसी टाइम। मेरा सच कोई इंटेंशन था नहीं दोपहर में मशीन लगाने का क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है छत पे, तो बट लगानी पड़ी। अब क्या कर सकते हैं, पानी तो वेस्ट करना नहीं है तो मैंने मशीन ही लगा दी। और जब मशीन लगाई ही थी सो आई थॉट कि चलो आज बेडशीट्स भी निकाल देते हैं, तो दोनों बेड की बेडशीट्स भी आज वॉश हो गई हैं। अब जब तक कपड़ों का एक लॉट धुल रहा है तब तक मैंने नीचे आके दोनों बेड की बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं। और ये सब करते हुए आज लंच में भी काफ़ी लेट हो गया क्योंकि लक्ष्य स्कूल से जब आया तो आते साथ वो छत पे खेलने चला गया और उसने नल तोड़ दिया, तो बाकी का आपने सब देखा ही प्रोसेस। मुझे मशीन भी लगानी पड़ी, तो बस थोड़ा आज लेट ही हो गया ये सब करते हमारा लंच। कपड़े धोने के बाद कपड़े फोल्ड करने का भी एक काम होता है जो कि ऑलरेडी मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े फोल्ड करने थे जो कि मैंने कल वॉश किए थे, बट उससे पहले आई थॉट लंच करा दिया जाए बच्चों को। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और ये आलू मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में ही बॉयल कर लिए थे। मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड के लिए सीताफल आलू की सब्जी बनाई थी तो आलू उसके साथ ही बॉयल हो गए थे, बट बच्चों को वो सब्जी नहीं खानी थी, बच्चों को खाने थे आलू के पराठे, तो वही मैं उनके लिए अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। और आलू को मैं कभी भी पहले से छील के नहीं रखती हूँ, हमेशा इस तरीके से बिना छीले आलू रख देती हूँ, बाद में यूज़ हो जाते हैं, इससे वो 2-3 दिन आराम से चलते हैं। अगर आप छील के आलू स्टोर करो ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, नेक्स्ट डे ही एक अजीब सा उस पर लेयरिंग आने लगती है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया कि बॉयल्ड आलू को स्टोर कैसे किया जाए जिससे वो ज़्यादा दिन तक अच्छे खासे बने रहें। कई बार होता है कि आलू के पराठे फट जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, फूले फूले नहीं बनते, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आप फॉलो करो तो आपके आलू के पराठे हमेशा बढ़िया बनेंगे, फूलेंगे भी और फटेंगे भी नहीं बेलते हुए। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आटा हमेशा फ्रेश ही लगाएं, स्टोर किया हुआ आटा यूज़ ना करें।
ये देख रहे हो आप, ये मैंने मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी सीताफल आलू की, और लाइट मेरी ख़राब हो गई है किचन की, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ये मैंने मॉर्निंग में बनाई थी सीताफल आलू की सब्ज़ी, बट बच्चों की डिमांड है कि उनके आज आलू के पराठे खाने हैं, तो हम आलू के पराठे बनाएंगे। तो आलू मैंने यहाँ पे छील लिए हैं, आटा भी गूंद के रेडी कर लिया है, और अब ये सब्जी तो जाएगी फ्रिज में, इसको हम डिनर में यूज़ कर लेंगे। अब इस आलू को मैं प्रोसेस कर लेती हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आलू को इस मैशर की हेल्प से, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो, बट मैं मैशर की हेल्प से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एट द एंड तो अभी हाथ से करना ही है, इससे ज़रा अच्छे से हो जाता है। तो बस अब इसको अच्छे से पहले मैश कर लेंगे, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करके ना तब कभी भी इसको मैश नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता है क्या होता है, वो पानी रिलीज़ कर देते हैं अपने मसाले सारे। तो बॉइल्ड आलू को पहले इस तरीके से एक बार हल्का सा मैश कर लीजिए, और बस अब हम इसमें मसाले कर लेंगे। पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, और चाट मसाला, जीरा, अजवाइन को हम इस तरह हाथों से क्रश करके यूज़ करेंगे, इससे इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ जाती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, धनिया और हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज और ढेर सारा हरा धनिया और दो छोटी छोटी हरी मिर्ची ले ली हैं, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, दैट्स इट। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिप नंबर 3 इज़ कि मसाले ऐड करने के बाद जब आप आलू में मिक्स करोगे सारे मसाले, तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको उसे मिक्स करना है, बहुत ही ज़ोर लगा के प्रेशर से उसे नहीं करना है, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथ से सारे मसालों को मिक्स करना है। और अब जब पराठे बन रहे हैं तो चाय तो बनेगी, चाय तो कॉम्प्लीमेंट्री है। और आज हम पियेंगे इलायची वाली चाय, क्योंकि मेरी अदरक ख़त्म हो रखी है, तो इलायची वाली चाय। यहाँ पे हमारी आलू की पिट्ठी भी रेडी है, चाय भी ऑलमोस्ट बनने वाली है, और आटे को भी काफ़ी देर हो गई है रेस्ट करते, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो पराठा बनाने के लिए हमने एक नॉर्मल लोई से थोड़ी सी हैवी लोई ले ली है, उसको नॉर्मली जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। सिर्फ ध्यान ये देना है कि आपको इसके साइड्स पतले रखने हैं और बीच से इसको हल्का सा मोटा रखना है, उससे क्या होगा ना कि ये स्टफिंग होल्ड कर पाएगा। तो सेंटर से इसको हल्का सा मोटा रखना है, और अब हम इसमें सेंटर में अच्छी खासी फिलिंग करेंगे अपने जो हमने पिट्ठी बना के रेडी की है, और बस इस तरीके से सारे कॉर्नर्स को बीच में लाके फोल्ड कर देंगे, इसकी एक इस तरीके से पोटली टाइप बना लेंगे, और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे हैंडल करना है। धीरे धीरे इस तरीके से हाथ से बढ़ाएंगे, पहले इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे, और इस तरह से दोनों हथेलियों और अंगूठे की हेल्प से हाथों से पहले इसे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट आप इस पर बेलन ना चलाइए, अदरवाइज आलू का पराठा फटने के चांसेस हैं। धीरे धीरे हल्के हाथ से इसे हाथ से बढ़ाइए, और अब हल्के ही हाथ से इस पर बेलन चलाइए कॉर्नर्स पे, और आप देखिए धीरे धीरे ये पराठा बड़ा भी होने लगेगा और चारों तरफ से स्मूथ भी होने लगेगा और फटेगा भी नहीं। और अब आप देख सकते हो कितना अच्छा ये पराठा बेला है, इसमें प्याज भी डले हैं, धनिया मिर्ची सब डला है, बट कहीं से भी ये पराठा फटा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत इसमें आलू प्याज झाग जरूर रहे हैं, जो कि एट द एंड सिकने के बाद इसका टेस्ट एनहेंस ही करने वाले हैं। जब वो करारा करारा सोंधा सोंधा सा टेस्ट आएगा ना, बहुत ही टेस्टी लगता है वो। और बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे, घी लगा लगा के, घी ऑयल आप जिस चीज़ का यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और जब तक वो तवे पे पराठा सिक रहा है, तब तक हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। अगेन मैंने नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी हैवी लोई ली है, उसको बेल लिया है रोटी की तरह, और इसमें स्टफिंग कर देंगे। और मीनवाइल हमारा ये तवे वाला पराठा भी नीचे से सिक गया था, तो इस पर भी हम ऑयलिंग कर दे रहे हैं। और पराठे बनाते टाइम ना घी तेल की कंजूसी मत करना, नहीं तो पराठे का टेस्ट नहीं आएगा। कभी कभी खाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से बनाओ और खाओ।
और ये देखिए, ये हमारा दूसरा पराठा भी बिल्कुल बिना फटे बन के रेडी हो गया है। और तवे वाला जो पराठा था वो भी पूरी अच्छी तरह सिक चुका है। इसे हमेशा ना इस तरीके से दबा दबा के सेकिए ताकि उसमें एक ब्राउन चितियां जब तक ना आ जाए ना तब तक पराठे को सेकना चाहिए, जलाना नहीं है, बट हाँ एक हल्का सा ब्राउन इफेक्ट आना ज़रूरी है। ये रोटी बनाना, पराठे बनाना बड़ा ही रिदम में चलता है ये सारा प्रोसेस। एक पराठा तवे पे सिक रहा है, एक पराठा चकले पे बेला जा रहा है, नेक्स्ट पराठे की तैयारी साथ साथ हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एकदम करारा ब्राउन इफेक्ट वाला पराठा हमारा बन के रेडी हो गया है। और जो पराठा हमने बेला था उसे भी सेकने की तैयारी कर लेते हैं। पराठा तवे पे डालने से पहले हमेशा थोड़ा सा उस पर ऑयल ज़रूर ग्रीस कीजिए और पराठा डालते ही उसे एक बार इस तरीके से रोटेट कर दीजिए और उसके बाद जब आप उसे पलटोगे ना तो उसमें ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी ब्राउन चितियाँ आ रखी होंगी। और ये देखिए हमारी चाय भी बनके रेडी है और पराठे को एंजॉय किया था हमने चाय के साथ ऑफकोर्स, बट आप चाहो तो इसे दही के साथ, अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं पराठे एंजॉय करने के। और बस वो पहला पराठा मैंने लक्ष्य को दे दिया है और ये सेकेंड तवे वाला मानसी का है। पराठे ना हमेशा गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं, कोई बनाता जाए और हम खाते जाएँ। और मुझे तो खुद को भी पसंद है कि मैं गरम गरम ही सबको खाना खिलाऊं, चाहे वो पराठे हो या रोटी हो या कुछ भी। एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ मैंने अपनी फैमिली को अच्छे से फीड किया है। और बस दोनों बच्चों को गरम गरम पराठे खिलाने के बाद मैंने अपने लिए भी बना लिए थे और एंजॉय किया था उसे चाय के साथ। बहुत मज़ा आया आज का लंच करके। और काम तो उसके बाद तैयार ही था, कपड़े तो मुझे फोल्ड करने ही थे। बट ये काम कहते हैं सबके बहुत बोरिंग होता है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे ये काम बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाने की। आप चाहो तो आप भी ट्राई करना एक बार। जब भी कभी आप कपड़े फोल्ड करने बैठो ना या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आपको थोड़ा बोरिंग लगता हो, तो किसी भी अपने लव्ड वन को वीडियो कॉल कर लो या फिर नॉर्मल कॉल भी कर लो, आप देखना कि आपका काम भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब अपना बोरिंग काम आसानी से मिनटों में निपटा भी दिया। आपको सुनने में थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, बट एक बार इस ट्रिक को ट्राई ज़रूर करना और बताना मुझे नेक्स्ट टाइम कि आपने कपड़े फोल्ड करते टाइम एंजॉय किया या नहीं। हमारी अच्छी खासी गली को खोद दिया गया है जेसीबी के द्वारा। तो पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल पूरी की पूरी दिल्ली ही खोदी जा रही है। जहाँ देखो वहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पे सीवर का काम चल रहा है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके की खुदाई, इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नो डाउट ये हमारे भले के लिए ही हो रहा है सब कुछ, बट जब तक ये प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता तब तक बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी ना कि आई थॉट कि मुझे फेशियल आज कर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले स्क्रब बना के रेडी किया है और स्क्रब के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स, एक कॉफ़ी और दूसरा हनी। बस कोई भी आप कॉफ़ी ले सकते हो, मेरे पास ये इम्पल्स कॉफ़ीज़ की चॉकलेट रास्बेरी थी तो मैंने ये ले ली। एक चम्मच, नॉट एक चम्मच, जो घर का रेगुलर चम्मच होता है उससे
आधा चम्मच मैंने कॉफ़ी ली थी और उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर ली है और बस इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इस तरीके से जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मानसी को, अच्छे से इसको स्क्रब करेंगे पूरे फेस पे और 4 to 5 minutes, और बस उसके बाद अच्छे से इसको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेंगे। एंड कॉफी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर टैन रिमूवल। बस इसके बाद मैंने यहाँ पे पैक भी बना के रेडी कर लिया है। पैक मैंने बनाया है बेसन का, बेसन में ऐड किया है अगेन हनी और थोड़ा सा लेमन और कच्चा दूध मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 3 से 4 चम्मच मैंने कच्चा दूध भी ऐड किया था। इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे एंड अगेन आप लगा सकते हो इसको फेस पे, अपने आर्म्स पे, लेग्स पे, वेर एवर यू नीड। तो मानसी को काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो रखी थी तो बस ये पैक बना के मैंने उसको फेस पे और आर्म्स पे लगा दिया अच्छे से और अपने भी लगा लिया था। और ये जो बेसन वाला फेस पैक है, आप चाहो तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो। जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना हल्दी, वो मत यूज़ करना प्लीज़, मैंने भी नहीं की है। बस 5 से 10 मिनट रखेंगे फेस पे और उसके बाद अगेन वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से। और उसके बाद ढेर सारा मॉइस्चराइजर आपको लगाना है बिकॉज बेसन का फेस पैक लगाने के बाद स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें हमने लेमन भी ऐड किया था। सो मेक श्योर यू आर मॉइस्चराइजिंग योर फेस वेरी वेल। आज कुछ खास अच्छा दिन नहीं है हमारा, लाइट भी खराब हो गई है, किचन की छत का नल भी टूट गया था जो कि अब ठीक हो गया है। तो बस थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं आज के दिन को। कोल्ड कॉफी बनाएंगे आज, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बड़े सिंपल तरीके से बनाती हूँ। 2-3 बस उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दो कि वो कैफे स्टाइल कॉफी लगने लगेगी नॉर्मल कॉफी से। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम एक कॉफी का बेस बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने यूज की है इम्पल्स कॉफीज की मोका पे चौका और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड की है, थोड़ी सी और ऐड की है। और उसके बाद ऐड करेंगे चीनी, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड की है क्योंकि मैं 3 कप कॉफी बनाने वाली हूँ। और साथ में ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी का बेस रेडी हो गया है। अब आपको एकदम सिंपल कॉफ़ी बनानी है तो इसमें आप सिर्फ मिल्क ऐड कर दीजिए, चिल्ड मिल्क एकदम ऐड कर दीजिए एंड योर कॉफ़ी इज़ रेडी। बट क्योंकि आज मैं थोड़ा सा स्पेशल कॉफ़ी बनाने वाली हूँ तो इसमें मैं 2 चीज़ें ऐसी डालूंगी जिससे कि इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा और ये बन जाएगी एकदम स्पेशल वाली कॉफ़ी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस आइसक्रीम। कोई भी आप आइसक्रीम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ये चॉकोबार ली है, मिनीज हैं ये। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें ये हर्शीज सिरप, 1 पाउच, पूरा 1 पाउच मैं इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी बचा लेंगे। और अभी मेरे पास बॉटल नहीं थी तो मैंने ये पाउचेस का से ही काम चला लिया। सो बेसिकली एक नॉर्मल कॉफ़ी को रिच कॉफ़ी बनाने के लिए हम ये 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और आइसक्रीम आप वनीला भी ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फ्रॉथ और टेस्ट लेके आएगी कॉफ़ी में। और सिरप यहाँ पे हमने चॉकलेट सिरप यूज़ करना है, उसके अलावा कोई और सिरप मत यूज़ करना लाइक स्ट्रॉबेरी एंड ऑल। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध भी ऐड कर दिया था उसी मिक्सचर में और थोड़े से और आइस क्यूब्स के साथ। एक बार हम इसे फिर से मिक्सी में चला देंगे एंड नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट द ग्लासेस, जो कि बहुत ही बुरी तरह से डेकोरेट किए गए हैं। एक्चुअली ये पाउच से ना डेकोरेट करते नहीं बन रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस उसके बाद इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं और हमारी ठंडी ठंडी कॉफ़ी भी पोर कर दी है। और मानसी मैडम को आज कॉफ़ी पीने का मूड नहीं था तो बस मैंने और लक्ष्य ने ही ये कॉफ़ी एंजॉय की। लक्ष्य कॉफी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चिल्ड है इसलिए और मजा आ रहा है और टेस्टी तो बनी है। एक बार जरूर ट्राई करना, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा जाएंगे, एक आइसक्रीम और एक ये हर्षी सिरप। कोई भी सिरप ले सकते हो आप, चॉकलेट सिरप बेसिकली, कॉफी चीनी दूध ये तो होता ही है। ओके गाइज, तो अभी मुझे निकलना है लक्ष्य के कपड़े दिलाने के लिए। कपड़े क्या, बेसिक चीज़ें उसको कुछ लेनी है, स्लीपर्स लेने हैं और एक दो चीज़ें उसको और लेनी है। एक्चुअली वो जा रहा है ट्रिप पे स्कूल की तरफ से, तो उसके लिए मुझे कुछ 2-4 जो चीज़ें लेनी है अभी हम वो जाके लेकर के आते हैं। यहीं पास में ही मेरे घर के काफ़ी पास है विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पे हम दोनों जाके फटाफट लेके अभी आते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ऑल राइट, तो लक्ष्य के लिए मैंने क्या शॉपिंग की है वो तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, बट नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। और वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से डिनर भी प्रिपेयर कर लिया था, हमारा बड़ा ही कम्फर्ट फूड दाल चावल और सुबह वाली सब्जी तो रखी ही हुई थी सीताफल वाली, और उसके साथ साथ में कर ली थी रोटी। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा सिंपल सा क्यूट सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो सो डू ऑल द गुड थिंग्स, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट video. Till then, take good care of yourself and thank you so much for watching. Bye-bye.